तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि PFI पर बैन को लेकर अरब न्यूज से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अरब न्यूज ने PFI को लेकर मोदी सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी, भाजपा को अरब न्यूज से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इस्लामिक संगठन PFI पर लगा बैन, तो भड़क उठी भाजपा पर मायावती, RSS पर बैन लगाने की मायावती ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर प्रशासन को दी चेतावनी, बोली घाटी में बकबोट की संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ हुई तो होंगे इसके गंभीर परिणाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गौ हत्यारे के साथ घूम रहे हैं राहुल गांधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल को खाने पर बुलाने वाले ऑटो ड्राइवर ने अब खुद को बताया प्रधानमंत्री मोदी का आशिक, आम आदमी पार्टी को दिया है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो PFI पर बैन को लेकर मोदी सरकार को अरब न्यूज से लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार को अरब न्यूज ने बताया मुस्लिम विरोधी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की PFI पर बैन को लेकर अरब न्यूज से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अरब न्यूज ने PFI पर बैन को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मुस्लिम विरोधी बताया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरब न्यूज ने PFI पर बैन को लेकर कहा है कि काफी वक्त से कई हिंदू कट्टर गुट PFI पर बैन लगाने की भारत में मांग कर रहे थे, पिछले कुछ वक्त से इन मांगों में और बढ़ोतरी हुई थी। हाल ही में PFI पर हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा कराने के आरोप भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगाए गए थे। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और भेदभाव मोदी सरकार करती है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही क्योंकि अरब देशों में मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी अब बताया जा रहा है, क्योंकि PFI पर बैन को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देश मोदी सरकार के फैसले से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लामिक संगठन PFI पर लगा बैन, तो भड़क उठी मायावती, RSS पर बैन लगाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के मोदी सरकार के फैसले को राजनीतिक स्वार्थ और RSS की तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम बताया है। मायावती ने कहा है कि जिस तरह से PFI पर बैन लगाया गया है उसी तरह से सरकार को RSS पर भी बैन लगाना चाहिए। मायावती ने आगे कहा है कि सरकार के इस फैसले से लोगों में संतोष के बजाय बेचैनी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा PFI पर बैन लगाने का जो फैसला लिया गया है वो एक तरफा है और इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव कई राज्यों में आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए BJP ने मुसलमानों के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती PFI पर बैन लगाने से मोदी सरकार से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर प्रशासन को दी चेतावनी, बोली घाटी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ हुई तो होंगे गंभीर परिणाम। यह दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पूनम महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के मामले में सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा कि अगर इन संपत्तियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या धांधली करने का प्रयास हुआ तो उसका बहुत घातक परिणाम होगा। मुफ्ती ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संबंध में कोई भी फैसला करने से पहले उसकी गंभीरता को अच्छे से परख ले, क्योंकि अगर कश्मीरी आवाम की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर स्थिति विस्फोटक होती है तो उसके लिए भी कश्मीर प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी नीतियों पर फिर से विचार करे, क्योंकि उन्हें बिना किसी कानूनी प्रावधानों के आनन फनन में लागू किया जा रहा है और इससे कश्मीरी लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप, कहा गौ हत्यारे को साथ राहुल कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गौ हत्यारे रिजिल मुकुटू के साथ देखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी पर हिंदू घृणा का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राहुल गांधी के साथ रिजिल मुकुटू की तस्वीर साझा की है, साथ ही वीडियो को भी शेयर किया है जिसमें बछड़े की कटी हुई गर्दन के साथ मुकुटू सहित अन्य लोग है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने शुक्रवार को इसको लेकर ट्वीट भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल को खाने पर बुलाने वाले ऑटो ड्राइवर ने अब खुद को बताया प्रधानमंत्री मोदी का आशिक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस ऑटो चालक के घर पर खाना खाया था, वह अब खुद को प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक बता रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑटो चालक विक्रम दत्तानी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की एक जनसभा में बीजेपी की टोपी लगाकर पहुंच गया। दत्तानी ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक रहा है और बीजेपी को वोट देता आया है। केजरीवाल को अपने घर पर बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मुझसे यूनियन वालों ने बोला था कि केजरीवाल को आमंत्रण देना है, इसलिए मैंने उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया। दत्तानी का कहना है कि जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो फिर उन्हें लेने तो जाना ही था। ऑटो चालक ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के आशिक हैं और उनसे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि वह आपके सदस्य नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में भीम आर्मी कैंडिडेट के हारने पर कार्यकर्ताओं का पुलिस पर पथराव, दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के मंगलौर में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। इस पत्थरबाजी में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इसके बाद मौके पर PAC समेत भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नारसन ब्लॉक पंचायत चुनाव की मतगणना मंगलौर मंडी परिसर में की जा रही थी। यहां जिला पंचायत सीट पर भीम आर्मी का एक प्रत्याशी मतगणना में हार गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और फिर से मतगणना करवाए जाने की मांग की। दोबारा मतगणना हुई और प्रत्याशी इस बार भी हार गया। इस पर समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस पर ही भीम आर्मी चीफ के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसमें दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और फिर अनंतनाग में उत्तराखंड सरकार को फोर्स तैनात करनी पड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को आजम खान को लेकर बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि योगी सरकार आजम खान को दोबारा से जेल में डालने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली वार्डों के परिसीमन के विरोध में आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को सौंपी संपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वार्डों के परिसीमन के बारे में प्रारंभिक सुझाव और आपत्तियां बृहस्पतिवार को परिसीमन आयोग को सौंपी। आपने वार्डों के बंटवारे को अतार्किक होने का आरोप लगाया। आपके प्रतिनिधित्व मंडल ने कहा है कि कुछ वार्डों की आबादी 35,000 तो कुछ वार्डों में 93,000 से अधिक है। ये प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है। दरअसल आपको बता दें कि MCD चुनाव जल्दी दिल्ली में कराने की आम आदमी पार्टी मांग कर रही है और वह चाहती है कि बीजेपी यहां पर चुनाव हारे, लेकिन बीजेपी ने अपने अनुसार ही परिसीमन वार्डों का कराया है, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का काम पूरा, कुल 3 उम्मीदवारों ने भरे 20 पर्चे। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिन 3 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं, उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 14 नामांकन दाखिल किए गए हैं, शशि थरूर की तरफ से 5 और KN त्रिपाठी की तरफ से 1 नामांकन दाखिल किया गया है। मधुसूदन मिस्त्री ने साफ किया है कि इन तीनों में से कोई भी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है और सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच का काम कल होगा और जांच और नाम वापसी का समय निकलने के बाद यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे तो मतदान होगा। अगर एक उम्मीदवार होगा तो ऐसे ही उसे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद दे दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि कितने नाम वापस लिए जाते हैं या फिर तीनों ही लोग चुनाव लड़ते हैं। सरकार सुस्ती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा करती है।